ये रे खाट चुको जय श्री महाकाल, जय श्री राम। समस्त शिव प्रेमियों को, समस्त धर्म प्रेमियों को इस्तास की ओर से प्यार भरी जय श्री महाकाल, जय श्री राम। तो एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष भोले बाबा के एक और गण के साथ, तो अम्ब गांव में हूँ। जम्मू डिस्ट्रिक्ट का अम्ब गांव है ये। बाय ग्रोटा रोड जो हमारा जम्मू से आते हैं, इस रोड पर ही एक अम्ब गाँव है। और यहाँ एक बार कैमरा घुमा दीजिए, यहाँ पर पूरा मोहल्ला इकट्ठा है। यहाँ पे एक डर, एक पैनिक, एक खौफ, एक सांप के रिगार्डिंग है। बट सांप के बारे में हमें बताया गया कि सांप जो है इस जगह पे, ये मुर्गी खाना है। हाँ, मुर्गी खाना है ये, इनका एक मुर्गी खाना है। और सांप शायद इसी जगह पे मुर्गियों की तलाश में शायद इस मुर्गी खाने के अंदर घुसा है। तो कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि सांप कहाँ पे। मुर्गी खाने का और कोई दरवाजा तो है नहीं? ना ना ना, जाइए जाइए। ये खुलता है? ये खुला है, अच्छा ये बंद है अभी। खुलता है? हाँ खुलता था। तो खोलना तो पड़ेगा ना यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे हालांकि हमने ये जो इसकी एंट्रेंस थी इसकी हमने यहाँ से खोल ली है, बट हम यहाँ पे सांप का हाल फिलहाल कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। बट फिर भी कोशिश करते हैं, देखते हैं शायद सांप ऊपर वाली तरफ कहीं चढ़ा हो। ये यहाँ पे थोड़ी सी तोड़फोड़ करने के बाद हमें सांप सांप के फुफकारने की आवाज़ जो है वो हमें कहीं ना कहीं सुनाई दी है। ये देखिए इस सांप के फुफकारने की आवाज़ उन्होंने हमें यहाँ पे आई है। तो देखते हैं, चंप पड़ा वोट है। तो देखिए वो देखिए, ले आइए पास। तो आप यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे तोड़फोड़ करने के बाद सामने आया है ये कोबरा। तो देखिए इस सांप ने कुछ खाया हुआ है, इसका पेट काफ़ी फूला हुआ है। बट अब हमारा मकसद जो है इसका सुरक्षित रेस्क्यू है। अब हम इसको यहाँ से किसी न किसी तरह से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। कैमरा सीधा है मेरा। आओ खा ले। कोशिश कहीं ना कहीं ये होगी कि मैं अपने आप को छुपा लूं, अपने आप को इंसान की नजर से दूर कर लूं। देखिए इस सांप ने कुछ खाया है और नहीं करो पर मंजा चुको खाट चुको मंजा चुके। तो ये देखिए वहाँ से निकालने के बाद इस सांप की हलचल और इस सांप का गुस्सा आप देख सकते हैं। ये देखिए काफ़ी बड़ा ये कोबरा है। और पीछे पीछे ही हमें इंडियन ब्लैक कोबरा
और भारत के सबसे खतरनाक सांपों में इस सांप का नाम शुमार है। देखिए 40 मिनट का समय ये सांप इंसान को देता है, होता कुछ नहीं है, इंसान की मृत्यु हो जाती है अगर सही समय पर इलाज ना मिले तो। ये आप देख सकते हैं ये काला रंग सांप को ज्यादा दिखता है। ये यहाँ पे हमें ये शकरी मिली है, ये तो मैं धन्यवादी हूँ आपका भी कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे बुलाया है और इस सांप का सुरक्षित रेस्क्यू जो है वो कर लिया गया है। रॉड पकड़िएगा, जरा देखें इसका मूड क्या है, इसका ये जो उसने खाया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे इस जगह पे शायद हो सकता है कि कोई चूजा वगैरह इसने खाया हो या फिर चूहा वगैरह इसने खाया हो, तो जो अभी तक इसे पचा नहीं है और इसके पेट में अलग ही वो दिख रहा है। इस सांप को जब कोई चीज पची नहीं होती तो वो कोशिश करता है कि मैं उस चीज को उगल दूं। ये देखिए ये अभी सांप की भी कोशिश यही होगी कि मैं जो चीज़ इसने खाई होगी वो अगर ये नहीं पचा पाया हो तो ये उसे उगल देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये देखिए ये आप देख सकते हैं कि सांप ने जस्ट अभी एक चूजा जो है वो उगला है। अब ये देखिए तो सांप को जब कोई चीज़ पचती नहीं है तो वो उसे उगल देता है और इस सांप के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है और इस सांप ने भी ये जो चूजा इसने खाया था वो इसने उगल दिया है। ये देखिए तो ब्लैक कोबरा, देखिए 40 मिनट का समय ये सांप इंसान को देता है, न्यूरोटॉक्सिक वेनम इस सांप के अंदर होता है और होता कुछ नहीं है, इंसान की मृत्यु हो जाती है अगर सही समय पर इलाज ना मिले तो। तो हमें किसी भी झाड़फूक के चक्कर में नहीं पड़ना है। देखिए नाजा के नाम से साइंटिफिकली इसे जाना जाता है बट हमारे यहाँ पर इसे नाग ही कहा जाता है या कोबरा ही कहा जाता है। बिहार यूपी मध्य प्रदेश में इसे फिटार के नाम से भी जाना जाता है, गहुन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये देखिए काफ़ी बड़ा ये सांप है तो इसका सुरक्षित रेस्क्यू जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ पे मेरे छोटे भाई राहुल सोडी मशगूल हैं इस सांप के साथ खेलने में। देखिए ये इंसान जो है वो एक पर्यावरण मित्र प्रेमी पर्यावरण मित्र इंसान है जो कि हमेशा इन सांपों को बचाने के लिए, इन पर्यावरण प्रेमी जीवों को बचाने के लिए तत्पर है। तो मैं धन्यवादी हूँ एक बार फिर से। तो आप इसे पैक कर दीजिए। तो देखिए सांप के घायल होने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि घायल होने के बाद इसका बचना जो है वो नामुमकिन सा हो जाता है। तो हमारा मकसद यही होता है कि हम इसे आराम से बिना घायल किए पैक कर लें। तो डिब्बा दे दीजिए हमको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पैनिक, डर, खौफ अल्टीमेटली हमारे घरों में, हमारे आसपास हो जाते हैं जब सांप हमारे आसपास कहीं निकल आते हैं। तो आप इसे पैक कर दीजिए। मैं अंशु भाई का धन्यवादी हूँ कि लास्ट बार भी हमें अंशु भाई ने ही यहाँ पे बुलाया था कि यहाँ पे एक सांप है। आज भी अंशु भैया के फ़ोन हमें आया था कि एक सांप जो है, कोबरा जो है, काले रंग का सांप जो है, हालांकि इनको पता नहीं था कि सांप कौन सा, बट काले रंग का सांप जो है वो मुर्गी खाने के अंदर घुस गया है। थोड़ी सी जद्दोजहद हुई है, थोड़ी सी तोड़फोड़ वहाँ पे हमें जरूर करनी पड़ी बट इस सांप का सुरक्षित रेस्क्यू जो है वो कर लिया गया है। गनीमत यह है कि कोई नुकसान इस सांप की वजह से हमारे यहाँ पर नहीं हुआ है, हालाँकि इसने एक चूचे को जरूर मार दिया था। तो मेरा संदेश वही है कि अपने अपने घरों में साफ सफाई रखें, ब्लैक फिनाइल का उपयोग करें, बच्चों को अवेयर करें और अगर कोई मिसहैपनिंग सांप के काटने से हो जाती है तो सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों से आज्ञा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मेरे भोले बाबा की मस्ती में
मस्त होंगे। जय श्री महाकाल, जय श्री राम।